वगैरह, लोहे के टीन के डिब्बे, ये सब देखा, तो सर उनको देख करके फिर अचानक से एक ऐसी फीलिंग आई, यार कुछ लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है क्या। फिर एक बाजू वाला दोस्त बोलता है कि भाई पता है इसको रोबोटिक्स बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या। तो एक ऐसी फीलिंग आ गई कि नहीं यार लाइफ में कुछ ऐसा करना है। बट बिलीव मी राइट, सुनने में आया कि प्रधानमंत्री जी किसी और को बनाया जा रहा है, बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं लेकिन आप ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा होगा राइट। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करी गई, तो सर उनके उनको देखा तो सर फिर फीलिंग आई कि क्या इसमें भी एक स्कोप है क्या इस वाली लाइन में। बट बिलीव मी, सच्ची सच्ची बताना, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो स्पोर्ट पर्सन हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हमारे बिजनेस पर्सन हो, बिजनेस टाइकून्स हो, और वेदर इट इज वी कैन सी द एक्टर्स ऑल्सो राइट, बॉलीवुड में परफॉर्म करने वाले एक्टर्स, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, सबके सब सेलिब्रिटी कैटेगरी में आते हैं। यही रीजन है दोस्त कि आप लोगों को उभरने का मन करता है। कभी आप अपने आप को मिरर में झाकर के देखोगे जिस तरीके के आज आप हो, क्या आप जब आप मिरर में झाकर के देखोगे तो क्या सच में आप ही खुद ही अपने आप की जैसा बनना चाहोगे राइट। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि हम बचपन में वो बनना तो चाहते थे लेकिन सच्चाई पता क्या रही। मैं अपनी लाइफ की जर्नी बता रहा हूं तो मैं अपनी ही बताऊंगा। कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक मुझे ये सारी चीजें नहीं पता चली, लेकिन जब फाइनल ईयर की ड्यूरेशन में ना, क्योंकि वो बोलते ना कि ठोकर खुद से खाने पे ज्यादा समझ आती है, क्योंकि इंसान ठोकर खाने के बाद से कहां गिरता, पीछे कहां गिरता है, आगे। तो बुद्धि खुल गई, और जब बुद्धि खुली ना तो एक चीज समझ में आ गई कि लाइफ में कुछ करना या नहीं करना। अब जितना हो गया था, जितना कर रखा था ना, वो सब टाइम पास था, छोड़ो यार उसको। क्योंकि सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को दिल से, जब फाइनल ईयर ड्यूरेशन में ना ऐसा बोला गया था जिस कॉलेज में मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, दैट इज मतलब ऐसा बोल सकता हूं मैं कि अब प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी, वी कैन से आईआईटी चमुआ ऑल्सो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको राइट, लेकिन वो किसी और नाम से नहीं, जीएल यूनिवर्सिटी मथुरा के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म अब तक हमें पता नहीं चला, फाइनल ईयर में जाकर पता चला था कि गणेशी लाल अग्रवाल बोलते हैं उसको राइट। तो ऐसे कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में आया था ना, तो क्या बड़ा बड़ा सा पोस्टर था 2014 में, देयर वाज टू पीपल हु गेट अ प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली 14 लाख रुपीस पर एनम, एंड दे वर सिलेक्टेड इनटू द ओपन सिक्योरिटी जापान। इतनी बेहतरीन कंपनीज आती है हमारे कॉलेज में, वाओ। तो एक समझ में आ गया था 20-22 लाख के आदमी बन सकते हैं हम। लेकिन जब सेकंड ईयर में पहुंचे ना, तो दोस्त पता क्या बोल रहे, अबे देख ले यार क्वार्टर तेरा भी देख ले, मेरा भी देख ले, 20-22 लाख को छोड़ा 10 लाख का तो हो जाएगा। अब मैंने सोचा हाँ हो सकता है ऐसा है। लेकिन थर्ड ईयर में जब वीवीडीएन करके कंपनी है, शायद जीएलए वाले समझ पा रहे होंगे, वीवीडीएन करके कंपनी है, जब वो कंपनी आई ना, तो विश्वास मानो उस कंपनी ने, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से होंगे, सो हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड वाले और सही सेकंड ईयर वालों को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन थर्ड ईयर वाले और फाइनल ईयर वाले बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मेरे कॉलेज में वीवीडीएन कंपनी आई ना, और उसने बोला कि हम 4 लाख का पैकेज लेंगे, और हम मेरी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से 40 बच्चों को सिलेक्ट करके ले गए, आई वॉज वन ऑफ देम राइट। लेकिन पता चलता है कि 40 दिन के बाद से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और क्या बोला कि जो हमारी कंपनी जिस बड़े टेंडर पे, जिस बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाली थी, जिसकी वजह से हमें आप जैसे एम्प्लॉय की जरूरत थी, आज वो किसी बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट था तो उन्होंने छीन लिया है, आई एम सो सॉरी, वी विल कम अगेन इन योर कॉलेज इन योर फाइनल ड्यूरेशन, डोंट टेक टेंशन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। उस ड्यूरेशन में सर वो तो बड़े खुश थे, लेकिन हमारे यहां तो कटारियां चल रही थी। बिलीव मी फाइनल ईयर में फिर आगे, अब लेकिन फाइनल ईयर में जो बच्चा फर्स्ट ईयर के ड्यूरेशन में 22 लाख का सोचा करता था, सेकंड ईयर के ड्यूरेशन में 11 लाख आ गए थे, 10 लाख आ गए थे, थर्ड ईयर में उस बच्चे की औकात बची थी 4 लाख, लेकिन जब फाइनल ईयर के ड्यूरेशन में जब पता चला कि सर इतनी बढ़िया बढ़िया काम कंपनीज आती है, इस पर माइक्रो कितने लोगों ने सुना है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है सर, जब पता चला कि ये भी, सर हम तो सर एक यूनिवर्सिटी से थे, कॉलेजेस में तो ये कंपनीज भी नहीं आती सर, हम यूनिवर्सिटी से, इसके वजह से हमें इस पर माइक्रो जैसी कंपनीज के बारे में सुनने को मिल रहा था। और सर क्या पता चला, मैकेनिकल सिविल सीएस वाले सारे बच्चे, कोई भी ब्रांच हो, वो बोलते ना कि हमारे यहाँ पे उसमें क्या बोलते हैं उसको, मैथ्स में एक बात फेमस थी, मैथ्स हॉस्टल की मैथ्स की सब्जियां आने का टेस्ट एक ऐसी, मेरे कॉलेज में ना 14,000 लोगों की यूनिवर्सिटी में ना एक बात फेमस हो गई थी, कंपनी अनेक और स्टूडेंट की ब्रांचेस अनेक, लेकिन प्लेसमेंट एक, प्रोग्रामिंग कॉपी पेस्ट राइट। विश्वास एक मिनट, थैंक यू, ये नहीं करवाना है, बस सुनते चले जाओ, अगर समझ पर, जो समझने वाले होंगे ना उनको सब समझ में आ जाने, जो नहीं समझेंगे ना वो सब 3 साल बाद भी नहीं समझेंगे राइट। तो समझते चले जाना। अब फाइनल ईयर ड्यूरेशन में जब मुझे पता चला ना कि लोग 8,000 की कंपनी का, सुनने में आया कि 8,000 का प्लेसमेंट लगने वाला है पर मंथ, तो पता है ऐसी फीलिंग आती है जैसे सर वो बोलते ना रेगिस्तान में पानी आ गया हो, तो वो वाली फीलिंग आई, तो लोग झंडे और अबे भाई जॉब लग गई है, तो पता चला कि उनको ऑफर आया है कंपनी में प्लेसमेंट के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, वो केक काटना शुरू कर दिए। मुझे सच बता रहा हूं,
जितनी उम्मीदें थी सारी खरी की खरी रह गई। पूछो क्यों? क्योंकि मैं ना कभी भी बैगिंग इंसान नहीं था। मैं कभी भी वैसा, देखो हो सकता है शायद, हो सकता है सर, हो सकता है शायद आप लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया जाए, कुछ भी बोल दिया जाए, लेकिन विश्वास मानो मैं बचपन से ही ऐसा था। कैसा वो मैं बता देता हूं। मैं बचपन से बैगिंग इंसान नहीं था। मुझे भीख मांगना पसंद नहीं थी किसी भी इंसान से कि सर प्लीज सर गिव मी दैट पर्टिकुलर जॉब सर, whether I am not eligible for your job, but for my kind of information sir, I want that job. आप जो भी बोलोगे सर, बोलो सर, आलू बैगन आपके घर पे दिया हूं सर आपकी बीबी को, और बोलो सर क्या आप सर देखो सर आपके साथ में चलता हूं मैं है? आप बोलोगे आप सीधे सीधे जाओगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा बाकी घूमता हुआ आ जाऊंगा। ऐसी थिंकिंग जब मुझे पता चला कि लोग ऐसे बैगिंग करते हैं जेन्युइनली, और मेरे कॉलेज ऐसा एक होता है यूनिवर्सिटी है जहां पे कम से कम 200 कंपनीज आती है, एक ब्रांच वाले बंदे को 40 कंपनी में बैठने का मौका मिलता है, लेकिन वहां का रीजन कि बच्चे सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ स्किल्स। सो अल्टीमेटली मेरे दिमाग में एक चीज आ गई कि यार अब तो हम फाइनल ईयर में हैं, पूरी ताकत भी लगा लेंगे ना, तब भी बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल नहीं होने वाले, तो यार जॉब वाली लाइफ तो आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगी। लेकिन क्या कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है जिसके वजह से मैं अपनी फैमिली को या मैं अपने आप को उस लेवल पर लेकर के जा पाऊं जहां पे इंडिया के नहीं वर्ल्ड के मोर देन, मैं बता रहा हूं आपको, अगर पूरी पूरी आप फोर्ब्स मैगज़ीन की लिस्ट भी उठाकर के देख लो ना, तो आउट ऑफ 7 बिलियन पीपल लगभग 700 करोड़ लोगों में, मैं बता रहा हूं आपको, 1000 लोग भी नहीं होंगे जो सर फोर्ब्स मैगज़ीन की लिस्ट में आते होंगे। सो दे आर मिनिमम देन अप्रोक्सीमेटली 0.001%। मैंने कहा यार उस कैटेगरी में आने का कोई चांस है क्या? और मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी, मैंने कहा यार देखो वही वाली बातें ना जैसे अरुण सर अभी बोल करके गए थे हाँ, कि अगर टोपी मैंने पहन ली, रिलेट कर लेना, देखो यार यूजर हो गेस्ट नहीं हो, टोपी अगर पहन ली तो मैं जंगल का राजा, और अदरवाइज भाई भाई वही वाली दिमाग में चीज आई यार करके देख, लेट्स हैव अ ट्राई, और मैंने करना शुरू करा। विश्वास मानो फर्स्ट ईयर में बस इतनी सी उम्मीद थी कुछ बड़ा कर सकता हूं, लेकिन आपको कुछ छोटी छोटी चीजें मैं हाँ छोटी छोटी चीजें लेकर के आया हूं। विश्वास मानो मैंने पता करा फिर अपने आप के बारे में, मैंने सोचा कि आखिरकार मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इतने सारे गूजबम्स क्यों आते थे। मेरी जो बचपन की लाइफ थी उसमें पता नहीं इस तरीके के गूजबम्स आते थे कि मुझे बहुत सक्सेसफुल होना है, क्यों ऐसा होता था? वो सक्सेसफुल होना क्या है? अपनी फैमिली को, हाउ कैन आई रेज माई फैमिली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल टू अ सेलिब्रिटी क्लास लेवल, एम आई राइट और नॉट? यही हम चाहते थे, लेकिन फिर क्या ऐसा कुछ हो सकता है? विश्वास मानो मैं इंस्पायर था इन चीजों से। विराट कोहली अगर शादी करता है ना अनुष्का शर्मा से तो उसको ब्रुष्का शादी बोल देते हैं। और सर बेनिफिट बताऊं, सर सोचो जब उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं ना तो उसको सर नेशनल इवेंट बोल दिया जाता है। हमारे यहां शादी होती है तो पता ही नहीं चलता कि खेत यार पांडाल लगा हुआ है। सर आई वॉज जेन्युइनली इंस्पायर्ड विद दैट। उसके बाद से सर दूसरी चीजें थी सर, अब सर अच्छा इंग्लैंड का टूर करने के लिए जाते हैं सफीना, कौन हुए ये? सैफ अली खान एंड करीना सर जाते हैं इंग्लैंड का टूर करने के लिए। अब वहां पर टूर करने के लिए जाते हैं ना तो वो अपनी वो बेबी सीटर नहीं होता उसमें लेकर के अपने बच्चों को घुमा रही होती है, सैफ अली खान अपने जा रहा होता है। मैं आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि लंडन स्ट्रीट में वो वॉकिंग टॉकिंग वो करते करते वो मजा बहुत लेने हैं, बट बिलीव में मुझे नहीं दिख रहा था कि आप मेरे को बताओ कभी ऐसा नाम अनाउंस हुआ है आज तक कभी हुआ है? द नंबर वन एम्प्लॉय द नंबर वन इंजीनियर is going to where? London with his wife. कभी ऐसा हुआ है? लेकिन सैफ अली खान और करीना कपूर का तुरंत इंस्टा पे छा जाता है, millions of millions fan देख लेते हैं। I was genuinely inspired with that. लेकिन सर अब आप लोग बोलोगे ना, बहुत सारे लोग बोलोगे सर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं सर, इवन में कहां होता है ऐसा? सर वही तो देख लिया था मैंने, इसके वजह से जो मैं पागल हुआ था, आई वाज जेन्युइनली क्रेजी अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई? दैट इज द रीजन कि मुझे जब पता चला ना कि जैसे मैं बोल रहा था ना कि विराट कोहली की शादी जब अनुष्का शर्मा से होती है तो सर उसके बड़े बड़े फोटोज आते हैं इंस्टाग्राम पर, वो छा जाती है। सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी जब वैशाली मैम की जब शादी हुई थी ना सर, बिलीव मी दैट पर्टिकुलर गर्ल leading approximately more than 30,000 plus people across the nation because of this organization. और जब तक शादी हुई थी ना, तो विश्वास मानो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो सफीना से भी बेहतरीन वाली शादी थी, राइट? तो मुझे समझ में आ गया कि अगर यार वो वाली लाइफ मुझे मिल सकती है तो यार ये ऑर्गेनाइजेशन वो उसके लिए बनी है। सर दूसरी वाली चीज सर सफीना वाला, सर बिलीव में वही वाला मैंने दृश्य देखा जब मैं NIC कन्वेंशन में पहुंचा। मैंने क्या देखा सर? सुमांशु कौर सर अपनी वाइफ के साथ में, अपने बेबी के साथ में, छोटी सी बच्ची, क्या नाम है सर? सनाया गौर, राइट? उस बच्ची को इतना, अब आप कितने सारे ट्रॉल्स आप लोग सुनते होंगे, आज तैमूर अली खान ने दलिया नहीं खाया है, 3 दिन से तैमूर अली खान
समझ गए राइट, सब लोग समझे होंगे। तो सर मैं उसे देख रहा था, सनाया गौर से पूछा जाता है बेटा इविल ज्वाइन करोगे, बेटी बोलती है यस। तो उनके पापा जी बोलते हैं, सुमान सिंह वर्कर बोलते हैं मेरी बेटी ऑलरेडी पैदाइशी सुर पर डिप्लोमेट है। वाओ के मतलब कितनी फीलिंग आती है। रेमो पे शाहरुख खान सलमान खान जब चलते हैं ना, है कैटरीना कैफ जैसे लोग चलते हैं ना, तो विश्वास मानो उनके लिए चीयर अप एंड पता नहीं एकदम से क्रेजी है, एकदम से वो जो बना रहता है ना क्या बोलते हैं उसको, रेड कार्पेट जो भी होता है राइट। तो उसके उसके आजू बाजू ऐसे लोग क्रेजीनेस की तरीके से उनको क्या कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं। ऐसी वाली लाइफ देखी थी और ये रीजन रहा था कि मुझे समझ में आया कि ये पूरी की पूरी लाइफ, चाहे वो लंदन स्ट्रीट घूमना हो और चाहे ऐसे करके मुझे ये सेलिब्रिटी लाइफ में पहुंचने का एक मौका है, तो मुझे पता चला था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं अपने आप को लेकर के जा सकता हूं। लेकिन सर बहुत सारी सिचुएशंस रही हैं, लेकिन मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखो, हो सकता है आज तक आप लोगों को शायद आप लोग के प्लान ने बताया हो या नहीं बताया हो। मैं खुद और हाँ मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरी भी प्लान नहीं बताया करती थी, क्यों, क्योंकि वो मुझे समझदार समझती थी और जेन्युइनली मैं उस पर खराब नहीं उतरता था। सर मैं रिसर्च करता था, मैं बैठकर सर ने अभी बोल करके गया है ना सर कि रूम में बैठ करके आप ट्रेनिंग बहुत अच्छी करते हो अपने खुद की। मैं ऐसी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त किया करता था अपने खुद की, इतनी सारी रिसर्च करता था। और सर बता रहा हूँ फाइनल ईयर में मैं सक्सेसफुल क्यों हुआ ईवोज में, क्योंकि सर जब मैंने रिसर्च करी ना तो मैंने अपने आपको पता कैसे डिसाइड करा। पीछे वाले लोग सोना मत राइट, बस ध्यान से समझ लेना, वरना विश्वास मानो अगले 3 साल तक वहीं बैठे रहोगे राइट। पता है मुझे क्या समझ में आया, लोग बोलते थे सर कि क्या आपका परसेप्शन क्या है ईगोस के बारे में। मैंने पता क्या बोला, मैंने कहा क्रिकेट देखते हो, व्हाट इज बीसीसीआई, व्हाट इज बीसीसीआई, बोलते हैं कि भारत देश के क्रिकेट को लीड करने वाली संस्था है। मैंने कहा ऐसी हमारे यहाँ के नेटवर्क मार्केटर्स को लीडर्स को डेवलप करने वाली ईगोस भी संस्था है। एक मिनट, तो बोलते हैं अब सर मैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समझता हूं बीसीसीआई के जैसी ऑर्गेनाइजेशन, एंड हु वी आर द प्लेयर्स ऑफ बीसीसीआई, हु आई एम लाइक विराट कोहली, एमएस धोनी, दिस टाइप ऑफ पीपल, मिताली राज। समझ में आई बात, तो मैं इससे कंपेयर किया करता था हर वक्त। अब जब मैं इस तरीके से कंपेयर करने लग गया ना, मैं हर वक्त ये सोचा करता था कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन बॉलीवुड है और हम उसके सलमान खान शाहरुख खान है, क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या। लेकिन जब बात आती थी ना, जब मेरे दोस्त मेरे से डाउट पूछा करते थे तो मैं जवाब भी इन्हीं टोन में दिया करता था। क्या जवाब हुआ करते थे, लोग बोलते थे टाइम प्रॉब्लम है, मैं बोला करता था मानुषी छिल्लर भी एमबीबीएस करते करते क्या कर रही थी, उसने भी मॉडलिंग करी और वो जाकर के मिस यूनिवर्स बनी, मिस वर्ल्ड बनी राइट। इसका मतलब क्या है, उसके पास में टाइम प्रॉब्लम नहीं थी, उसके इंटरव्यू जाकर के देख लो। अभी उस बंदी ने 3 दिन पहले बोला है कि सर टाइम प्रॉब्लम कुछ होती ही नहीं है, मैं सर जब जिस बंदे का विजन क्लियर होता है कि मुझे जाना कहां है तो सर वो सब कुछ मैनेज कर लेता है राइट। लोग मुझसे पूछते थे कि सर मनी प्रॉब्लम है, अरे आप जानते हो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 9 साल लग गए, वो बंदा गेट कीपर हुआ करता था, बोलता था कि मुझे वो स्ट्रीट एक्ट करने के लिए जाना होता तो मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते 50 रुपए कि मैं उसको जाकर पार्टिसिपेट करूं ताकि एक्टिंग अपनी दिखा सकूं। वो बंदा पता क्या किया करता था, वो बंदा इधर उधर से जाकर के कैसे भी करके गेट कीपर की जॉब करके वो बंदा पैसे अर्न करता था, तब जाकर वहां पे एक्टिंग करा करता था। उस बंदे का विजन क्लियर था कि अगले 2 साल के बाद से वो बंदा बहुत बड़ा एक मल्टी मिलियनर स्टार बन जाएगा, नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका एक लंबा विजन क्लियर था कि अगले 9 साल के बाद से मैं जरूर सक्सेसफुल होऊंगा राइट। क्या हम एक ऐसा विजन नहीं ले सकते, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पेरेंट्स सेइंग नो, पेरेंट्स सेइंग नो। आपने इरफान खान का इंटरव्यू देखो जरा जाकर के, यही इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं अंदर रूम में बैठ करके ऐसे रिसर्च किया करता था। इरफान खान का इंटरव्यू जाकर के देखो, वो पता क्या बोलता है, उसके मम्मी बोलती है कि बेटा कहां जा रहे हो, तो बोलता है मैं राजस्थान जा रहा हूं, कोटा आया हूं, कोटा में रहा करता, राजस्थान का रहने वाला था, तो बोलता था कि मैं मम्मी मुंबई जा रहा हूं, तो मम्मी बोलती थी क्या करने, तो पता है उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, तो उसने झूठ बोल दिया घर वालों को। हम डरते हैं कि झूठ क्यों बोले, आंटी जी हो सकता है शायद आप लोग बैठे हुए हो राइट, यू आर जस्ट लाइक माई ममाज राइट, हमारी मम्मी 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 जैसे हो आप लोग राइट। सोचो जरा हमारे बच्चे जब एक्सक्यूज मारते हैं ना, वो पता है सच्चाई ये होती है, जब इरफान खान से पूछा गया कि आपने मम्मी को झूठ क्यों बोला था, तो उसने बोला था कि मुझे भरोसा था इस बात पे कि बॉलीवुड बहुत आगे जाएगा और विश्वास मानो अगर आज से मैं टिका रहा तो मैं बॉलीवुड में मैं बहुत आगे जाऊंगा, इस वजह से मैंने झूठ बोला था। अगर मैं झूठ नहीं बोलता ना तो विश्वास मानो मेरे पापा सुपॉल सिंह की जॉब लगवा देते, मेरी वहां पर आज भी सुपॉल सिंह कर रहा होता। हु इज इरफान खान राइट ना, आप सब लोग जानते हो, हॉलीवुड तक जाकर के आया है राइट। इस वजह से हमें विजनरी भी बनना बहुत जरूरी है राइट। फ्रेंड्स निगेटिव करते थे शाहरुख खान ने, अपने जितने भी उसके फ्रेंड्स निगेटिव किया करते थे ना, उन लोगों से पता क्या बोला करता था, अच्छा ठीक है चल मैं एक्टिंग नहीं करने जाता। अबे क्या बेवकूफ है क्या तू, उधर जाकर के फोटो खींचने के किसको पैसे मिलते हैं,
फोटो खिंचवा रहा है वहां पर जाकर के तेरे पास कपड़े हैं नहीं, तू क्यों नोटंकी करने पड़ा है? दोस्त नेगेटिव किया करते, हमारे दोस्त नेगेटिव करते, सर मैं नहीं कर रहा, मैं नेगेटिव हूं, क्यों क्या हुआ? मेरे दोस्तों को करने नहीं देते सर। लेकिन सोचो शाहरुख खान अपने उन्हीं दोस्तों का यूज किया करता था, कैसे तुम मुझे नेगेटिव करो, बस दोस्त देखे भाई हम लोग भाई भाई 20 रुपए दे दो आज का काम मेरे चल जाए, वो किराए के लिए पैसे लेता था अपने फ्रेंड्स से, हम यहां पे डरते हैं वो यूटिलाइज किया करता था अपनी फ्रेंडशिप को। तो आज के बाद से अगर आपके आपके फ्रेंड नेगेटिव करें ना, तो उनको अगर उनसे पूछ लेना अगर तुम सच्चे दोस्त हो ना तो मेरी मदद कर दो थोड़ी सी, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा और है सर, कंपनी भाग जाएगी। अब सर मेरे को इतना सा बताओ, बिलीव मी मैंने तो समझ रखा है पहले से कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन बीसीसीआई के जैसी है। अब अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे डिजायर्ड, सबसे फायर्ड, सबसे एनर्जेटिक अगर आप विराट कोहली बन गए, तो क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई कल ठप हो जाए तो विश्वास मानो आपको वर्ल्ड क्रिकेट की आईसीसी जैसी संस्था आपको हाथों हाथ उठा लेगी, किसी भी कंट्री से खेलने का मौका दे सकती है। एम आई राइट और रॉन्ग? व्हाई? बिकॉज वी आर प्रोफेशनल क्रिकेटर, व्हाई वी कांट बी अ प्रोफेशनल यूजर ऑल्सो? थिंक अबाउट दैट। लेकिन फिर भी हमारे पास में ये इश्यूज आते हैं, कौन से सर? अपलाइन की बात नहीं मान रहे, 99% लोग सर अपलाइन की बात नहीं मानते। क्यों सर? दे गेट बोर्ड, मुझे जो रिव्यू मिले दे गेट बोर्ड, बोर हो गए सर, बहुत दिन हो गए सर ये बस करते करते। सर कॉलेज अटेंडेंस सर बहुत बड़ा इशू है सर, कॉलेज अटेंडेंस विश्वास करो जितने लोगों की कॉलेज अटेंडेंस होगी सब समझ रहे होंगे, मैं अच्छे से समझा करके आया हूं तरीके से। कॉलेज अटेंडेंस हो गई है सर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा कितनी कन्वेंशन अटेंड कर ली तुमने? विश्वास मानो सर जान लगा करके सारी कन्वेंशन अटेंड किया करता था, और फाइनल ईयर में सर सोचा करता था कौन से दिन का बंक मारूं यार, 72% 70 कैसे होगी ये, क्योंकि मेंटेन सर 70 होनी है, मेरा तो कभी नहीं हुआ, आप लोगों का क्यों हो रहा है? क्योंकि सच्चाई है ना, आप लोग कैंटीन में जो सर अभी डांस कर रहे थे ना, वो वाला कैंटीन में इस चीज के लिए जो आप मेरा अटेंडेंस बर्बाद कर रहे हो, आप रूम में सोने के लिए, जैसे कि अरुण सर बोल रहे थे ना कि कमर उसका सबसे बेहतरीन क्या होता है? फ्रेंड होता है। आप लोग वो करने में इसके वजह से आप लोग अपने अटेंडेंस बर्बाद कर रहे हो, इवेंट के वजह से नहीं, इवेंट की वजह से करके देखो ना तो उदय सर बन सकते हो, इवेंट के वजह से अटेंडेंस को इधर उधर 19-20 करके देखो तो हो सकता है भूपेंद्र कुमार पाल सर भी बन सकते हो, राइट। थैंक यू वेरी मच। लास्ट 2 मिनट ऑनली, राइट। अब सर इसे समझ में क्या आया? सर इतने एक्सक्यूज हमारे एसोसिएट्स के आते हैं, हम सर इन्हीं एक्सक्यूज में फंसे रहते हैं, पता क्यों?